नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट भगवंत पाठक और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Hyundai Verna 2021 SX पेट्रोल मॉडल है ये। आज हम इसका टैंक टू टैंक माइलेज निकालेंगे। ये भाई साहब अब यहाँ पे पेट्रोल छोड़ रहे हैं गाड़ी में, आप देख सकते हो इस मीटर में। ये हम HP के पेट्रोल पंप पे है, अब हम गाड़ी फुल कर रहे हैं और देखेंगे इसका माइलेज कितना आता है टैंक टू टैंक। ये देखिए हमने ये टैंक फुल कर दिया है और ये हमारा 4041.68 रुपये का पेट्रोल बैठ गया है और ये 37.59 है, आप देख सकते हो पेट्रोल का रेट 107.52। ये देखिए अभी हमारे मीटर में 532 हुआ है और हमने ये सब रीसेट कर दिया है मीटर, आप देख सकते हो। और हमने अभी टैंक फुल कर दिया है तो देखेंगे इसका एवरेज कितना जाता है। ये है पेट्रोल SX वरना 2021 का, तो देखेंगे इसका एवरेज कितना आता है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइज हमने ये पूरे ट्रिप के दौरान गाड़ी का स्पीड 70-90 के बीच में रखा है, कभी कभी ये 50-55 तक भी जा चुकी है। तो गाइज आप देख सकते हो ये गाड़ी टोटल 180 से भी ऊपर चली है, 184, और हमें ओवरऑल माइलेज दिखा रहा है 15.2। आप देख सकते हो ये मैंने स्पीड जो है गाड़ी का वो 60-80 के बीच में रखा था, कभी कभार ये 85-90 तक भी चली है। तो आप देख सकते हो इसका माइलेज हमें 15.2 दिखा रहा है ओडोमीटर पे। और देखेंगे पेट्रोल पंप पे अगर हम पेट्रोल डालते हैं तो कितना पेट्रोल आता है और एक्चुअल कितना माइलेज निकल के आता है। तो इस पूरे ट्रिप के दौरान हमने ये 2000 RPM के अंडर ही चलाया है गाड़ी, 2000 RPM के ऊपर मैंने गाड़ी नहीं चलाया है। तो देखते हैं ये पेट्रोल वरना SX का मॉडल है और इसका एवरेज कितना निकल के आता है। अभी आप देख सकते हो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप एक ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पांचवा गियर लगाइए, सिटी के बाहर जैसे आप जाते हो तो पांचवे गियर में आप गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए और उसमें आप 50-70 का स्पीड मेंटेन रखो, तो इसके अंदर आपको माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा। और अगर आप हाईवे पे चले जाते हो, मतलब पूरा नेशनल हाईवे, तो उसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको 6 गियर डाल के 90 के अंदर आपको स्पीड मेंटेन रखना है। और मैं आपको ड्राइविंग के और टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि आप इमरजेंसी ब्रेकिंग ना करें, जब जरूरत पड़े तो ही आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करना, क्योंकि ब्रेकिंग का बहुत फर्क पड़ जाता है एवरेज में। मान के चलो कि अगर आपको 500 मीटर रुकना है तो आप पहले से ही अपना स्पीड कम रखो और वहां जाते वक्त आपका स्पीड कम हो जाएगा, ना कि आप वहां जाके इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, तो इसकी वजह से आपका एवरेज भी इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी बात, ज़्यादा इंजन को आप रेव मत करो, 2000 RPM के नीचे ही चलाओ। आप 2000 RPM के नीचे अगर चलाओगे तो आपका गाड़ी का माइलेज और बढ़ेगा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 15.5 एवरेज दिखा रहा है और यहाँ पे मैं अभी घर से निकला हूँ, 19.2 किलोमीटर आया हूँ और यहाँ का ओवरऑल माइलेज दिखा रहा है 17.2। मतलब जैसे ही हम हर रोज घर से निकलते हैं तो वहाँ से एवरेज स्टार्ट होता है और ये लोकल का ही एवरेज है, हाईवे का नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 17.3 और ओवरऑल माइलेज की अगर बात करें तो मैंने अभी ये गाड़ी 210 किलोमीटर चलाई है और वहाँ पे ओवरऑल माइलेज दिखा रहा है 15.5।
तो आप देख सकते हो ये गाड़ी मैंने 50 और 80 के बीच, कभी कभी 90 तक भी गई है, मैंने ये ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो ये इसका माइलेज निकल के आ रहा है, जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं तब देखेंगे इसका टैंक टू टैंक माइलेज कितना है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। हम आए हैं HP के पेट्रोल पंप पे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मीटर। ये मेरा मीटर, ये मीटर में दिखा रहा है अभी 383। तो देखेंगे कितना पेट्रोल आता है इसके अंदर। अभी हम HP के पंप पे है, अभी ये जीरो कर दिया है, अब देखेंगे कितना पेट्रोल आता है इसके अंदर। आया ना जी, करो चालू करो, फोन पे करो। आप देख सकते हो हम ये टैंक फुल कर रहे हैं इसका। नॉब पे चलो, देख सकते हम अब टैंक फुल टू फुल कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं ये पूरा पेट्रोल फुल हुआ है, और देखेंगे कितना पेट्रोल आया है यहाँ पे। आप मीटर पे देख सकते हो ये 26.97 पेट्रोल आया है इसके अंदर। तो देखते हैं कितना माइलेज बना है हमारा। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा पूरा टोटल किलोमीटर हुआ है 383.5, और हमारा पेट्रोल आया है 26.99। तो अगर हम इससे डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज निकल के आता है 14.20। तो गाइस ये जो एवरेज मैंने निकाला है ये पूरा विथ AC के साथ एवरेज है। तो ये जो पूरा एवरेज है, नेशनल हाईवे पे मैं गया ही नहीं हूँ, फिर भी ये लोकल का ही एवरेज हम पकड़ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है, अभी सिर्फ गाड़ी 916 किलोमीटर चली है, देखते हैं आगे कितना एवरेज आता है, पर फिलहाल तो ये बहुत बढ़िया एवरेज है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।